Hello, hello. We have mics ready, no? Are we ready to go, Kunal? Good afternoon, my dear friends from media and everybody present here, some of our dignitaries and guests in India. It gives me great pleasure ki Independence Day ke ek din baad हम एक ऐसे एपिक स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसको दर्शाने जा रहे हैं थ्रू अ वेरी मेन स्ट्रीम कमर्शियल डायरेक्टर जिन्होंने हम सबको बहुत सारी चीज़ें उनकी फिल्मों के थ्रू सिखाई हैं वेदर इट्स प्यार एंड मैजिक वेदर इट्स द मेल एंड फीमेल हम तुम बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी होने के नाते बता सकती हूँ इट्स ऑल अबाउट अ स्टोरी एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस रूम हैव हैड the pleasure of traveling to different corners of the world but bali mein mera ye experience tha ki har nukkad mein corner mein log ramayan aur mahabharat dekhte rehte the for some these are epics that didn't happen for some they believe it's true so I think it's wonderful ki jo nayi peedhi aa rahi hai aur jinko shayad ye lagta hai ki ha shayad hi hua hoga these are mythological stories it's wonderful to relive it in the truest sense I really don't know what's going to happen in ram yug but that's precisely why we are here together today to find out aur taki aap wo word aage leke jaye and my very able and dear friend will be able to throw some light on that who I have a very strange listener and radio jockey relationship with as well I've been very fortunate and thankful to kunal to not just message me with updates as far as traffic is concerned but also sometimes actually whatsapp me very interesting things that he thought about my show so let me introduce the man who's thrilled us entertained us and is thoroughly entertaining in conversations as well kunal kohli everybody Thank you, Archana, for making me sound like a traffic alert person. And I have to thank everyone for coming. बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि फिल्म लॉन्च तो आजकल एक मैसेज भेज के हो जाता है ट्विटर पे आप अपना पोस्टर डाल दो और फिल्म लॉन्च हो गया तो आप ये क्यों कर रहे हो मुझे ये थोड़ा इम्पर्सनल लगता है जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था अब तो बहुत साल हो गए उस बात को तो मैं ये देखता था लोग मुहूर्त करते हैं ऑल दैट और आजकल लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं लेकिन मेरा मानना है कि कुछ आउटडेटेड नहीं होता है खास करके पर्सनल इंटरेक्शन मैं भी एक पोस्टर लॉन्च अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने इंस्टाग्राम पे डाल के आप सबको बोल सकता था कि भैया देखो ये मेरी फिल्म है लेकिन उसमें वो पर्सनल बात नहीं होती है तो आई फील आज की जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो चल रही हैं जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें जो पर्सनल बातें हैं वो थोड़ी रह जाती हैं और यही पर्सनल बातें ना रह जाएं इसलिए मैंने आज आप सबको यहाँ पर बुलाया है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैन आई क्वेश्चन यू क्विकली बिफोर एनीथिंग एल्स प्लीज डू बचपन में रामायण किसने आपको सुनाई और आपके मन में वो क्या छाप छोड़ गई जाहिर है मेरी उम्र के लोग और यहाँ पर बहुत सारे लोग और इवन पीपल आफ्टर मी हम सब ने सागर साहब की रामायण देखी दूरदर्शन पे एंड वी लर्न फ्रॉम दैट एंड इवन आई थिंक रामायण की जो बातें हैं जो मैसेजेस हैं वो हम सबको सब सिखाते गए माय मदर इज सिटिंग हियर शी वुड कीप टेलिंग मी इफ आई वाज एंग्री विद समबडी और अपसेट विद समबडी मैं बोलता कि अब मैं उसको दिखाऊंगा तो माय मदर वुड से व्हाई यू स्टूपिंग डाउन टू हिज लेवल तो ये भी एक इट्स ऑल्सो अ लेसन फ्रॉम द रामायण राइट You have to do what is your dharma, what is your karma. You don't have to stoop down to the other person's level. But here's a question: You have introduced us to new age concepts like live-in relationships, or maybe even pregnancy before marriage. Now, no, that was not my. That was not yours. I know. Okay. So I did hamtum. Okay, hamtum where there was remarriage, or widow remarriage. तो फिर ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बाद आप हमें फिर वापस रामायण की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं जहां कंट्रोवर्सी ये भी है कि राम वाज पॉसिबली नॉट द आइडियल हस्बैंड टू हैव हु पुट हिज वाइफ थ्रू आई थिंक रामायण से ज्यादा ऐतिहासिक रामायण से ज्यादा मॉडर्न इन थॉट प्रोग्रेसिव कुछ नहीं हो सकता हम अपने आप को बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव समझते हैं क्योंकि यू नो
some people use language in film or whatever. लेकिन जो thoughts हैं, जो विचार हैं, वो कभी outdated नहीं हो सकते. वो हमेशा modern ही रहते हैं. Because thoughts and विचार and the way of life, जीवन बिताने का जो एक तरीका है, वो कभी outdated नहीं हो सकता. How can a way of life ever be outdated? It can't. Your best lesson from Ramayana that you personally. I feel it's about dharma versus niti, dharma versus raniti. Ke Ram was always on the paksh of dharma. Ravan was on the was doing raniti and strategy and all that. Usse kuch nahi hota hai. With strategy and everything is not the way to go ahead in life. The way to go ahead in life is just to follow your dharma. And I think that is the best, one of the so many lessons that are there from the Ramayana. Aur Ram Yug mein, see, there are so many chapters, there are so many incidents, there are so many challenges, which is what, with my writing team, headed by Mr. Kamlesh Pandey, I mean, he's doing the dialogues, he needs no introduction, I mean, he's done amazing work like Chalbaz, Dil, Beta, Khalnayak, Rang De Basanti, the list is endless. But his knowledge of Indian culture, of Indian mythology, is so vast and so deep that he's one of the pillars of what chapters to use, and even what to say. In Rang De Basanti, he married the old and the new so beautifully. So it's a narrative we all need these days. It's a narrative we all need. And Kunal, why is it called Ram Yug and not Ramayan, if I may ask? Ram Yug. It's about the Yug of Ram. So Ram Yug. जैसे सत्ययुग है, कलयुग है, राम युग. एंड एंड द अदर पर्सन आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर इज मिस्टर नरेंद्र कोहली, हु इज अ वेरी वेरी अकॉम्प्लिश्ड पद्मश्री राइटर ऑफ आवर कंट्री. ही इज द कंसल्टेंट, सो ही इज डूइंग द कंसल्टेंसी. देयर इज नो रिश्तेदारी देयर. दोनों कोहली हैं लेकिन कोई रिश्तेदारी नहीं है. वही मैं सोच रही हूं. एंड आई आल्सो वांट टू मेंशन अ फ्यू अदर पीपल हु आर सपोर्टिंग अस इन राम युग. May I call them on stage then? We'll call them on stage. देखिए रामायण में हनुमान मेरे बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हैं, हनुमान भगवान जी. एंड आई थिंक विदाउट हिम वी वुडंट बी एबल टू ट्रैवल अक्रॉस एंड गेट सीता माता ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ फन स्टफ दैट हैपेंड देयर. सो आर ओरिजिनल सुपरमैन आई ऑलवेज से इज हनुमान. मिस्टर सचिन जूतन जी, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. ही इज द हेड ऑफ मॉरिशियस फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. आई'd लाइक एवरीबॉडी टू पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम. And I thank you for actually traversing. You would want to say a few words? Yeah, I'd just like to say a few words before I give him the mic. Hind Mahasagar, Indian Ocean, ke ek kone mein ek chota sa desh hai, Mauritius, which is filled with people from Indian origin and from different parts of the world. Lekin unka dil aaj tak Hindustani hai. Aur wo is project mein hume kaafi support kar rahe hain. And Mr. Sachin Jutan, if you could say a few words, please. Yeah. Good morning, everyone. It's a pleasure today here to be here for the lunch of Ram Yug. ऐसा लगता है कि हम लोग मॉरिशस हमेशा हम लोग कहते हैं कि छोटा भारत. और आज ये वास्तव में मॉरिशस आज छोटा भारत हो गया कि राम युग मॉरिशस में शूट होने जा रहा है. It's a very big pleasure for us, for all the people of Mauritius. सब के लोगों की तरफ से मैं कुनाल कोहली को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ही हैज कंसीडर्ड मॉरिशस एज अ लोकेशन टू शूट राम युग. ही हैज ऑल आवर सपोर्ट. पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं और पूरी मॉरिशस की ओर से हम लोग, यानी कि इट्स अ प्लेजर, इट्स अ वी आर ऑनर्ड फॉर दैट कि ये मॉरिशस में शूट हो रहा है. सचिन जी, वहाँ पे मैंने समुंदर तो बहुत देखे हैं पर जंगल हैं कि नहीं, क्योंकि वनवास के 14 साल दिखाने हैं. जहाँ पर समुंदर होता है वहाँ पे जंगल और पहाड़ भी होते हैं. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, वो भारत की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है. इट इज़ एक्सेप्टेड एंड लव्ड एंड रिवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So, which is why it's a lovely collaboration, and which is why we are hoping that it will also reach all over the world. May I please call upon Mr. Nanda, the head of Economic Development Board of Film Industry in Mauritius. Thank you, Mr. Nanda, for doing this for us. What is the special thing for you to be supporting Ram Yug?
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for giving this invitation to us. It's a real pleasure to be here among the press, Mr. Kunal Kohli, and everyone who have been participating to make this a reality today. I would say from our perspective, the Economic Development Board, we are here today because we support the film industry. We've created something 5 years ago. Many Indian producers have come to Mauritius for several reasons, not only for financial reasons. I would say proudly that some 23 film have been shot, completed by Indian, only Indian film producers. So far we have approved some 105 films project, out of which 77 have already been approved. But what is important to mention to you, because you press people, you are here today, it's good to know that Indian producers, they've spent almost 1 billion rupees, Mauritian rupees. So this gives an indication that Mauritius is becoming an attractive and competitive film shooting destination. So we have a mechanism, a tool, a marketing tool that we have put in place. We call the film rebate scheme. And like anybody, be it Mauritian, European, Hollywood film producers, anyone would benefit this from this scheme to shoot, to realize their project. So 8 months ago, I think I met with Mr. Kunal. The first time I met with him, it was in December last year. Mr. Udeshi, I don't think he's here today. We discussed, and I'm glad that today this project is being materialized. It didn't take much time, but we are getting through, and we assure Mr. Kunal that we shall be giving the full support in terms of facilitation, permits, shooting, marketing, regulatory, to ensure that at the end of the day we have a very big project. In fact, this is one of the biggest movie, Bollywood movie, that will be shot in Mauritius. Fabulous. And partly also because I think there are some shooting also which will be done in India. Mr. Nanda, do you have any connect with the Ramayana whatsoever? We know it only as a story because you do know it. Yeah, of course we do. But Do you have any favorite characters or some? I like moment? All. You like all? I like all of them because I'm very spiritual. But I think this in this movie we will also get the opportunity to appreciate creativity, talent, yes. Skill. There is nothing in the world more difficult and complex than to conceive a concept and actually to write it. And Mr. Pandey, who is not just written some of my favorite works, but he's also done a very, 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 very diaspora of kind of films that he's written. Chalbaz is my favorite. I've seen it at least 50 times. But Khalnayak, Rang De Basanti, sir, Dil, I mean, like, you have just done every aspect of film, commercial films, aur ab Ram Yog aapke paas aaye. Please aap hamare paas aa jaye abhi. Kamlesh Pandey ji, what an honor and pleasure to have you as a PAR project to actually take this story to the world. Does this mean a lot to you personally? Sorry. Aapko ye personally ye matlab ek connect hai? Actually, I've always been waiting and wanting to write Ramayana. Always. Never got a chance, really. Congratulations, sir. Your dream has come true. जैसे हमारी industry है, जहाँ हमारे producers हैं, शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई जो भी है. यानी इसके पहले कि मैं इस कथा के बारे में, इस फिल्म के बारे में कहूँ, राम कथा जो है हमारे लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. क्यों? एक तो कहानी सबको मालूम है, कहानी में कोई नयापन नहीं है. जो किरदार हैं वो भी सबको पता है, सीन तक पता है. तो भैया आप क्या कर लोगे और ताकि ऑडियंस देखने आए, आप क्या नया डालने वाले हो, क्या तीर मारने वाले हो कि लोग देखेंगे. दो बातें हैं थोड़ी सी, मैं शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, भारत ने कभी इतिहास नहीं लिखा. पता नहीं आपको पता है कि नहीं, वी नेवर रोट हिस्ट्री. द अर्लीस्ट हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमारे पास है वो इत्तफाक है या सौभाग्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने जब उनके वचनों को संग्रहित करना शुरू किया, इकट्ठा करना, उसमें राजाओं के नाम आए, कुछ देशों के नाम आए, राज्यों के नाम आए, इत्तफाक से. वो हमारा सबसे पुराना इतिहास वो है. क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश ने बहुत पहले समझ लिया था, क्योंकि यह देश बहुत पुराना है. अभी अभी आपने पढ़ा होगा, एक खंबाट की खाड़ी में जो शहर मिला है समुद्र के अंदर, 32,000 साल पुराना शहर है. तो वो शहर तो तक एक सभ्यता को आने में कितना समय लगा होगा, तो वो देश कितना पुराना हो सकता है. तो हमने पहले समझ लिया कि इतिहास एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहीं
गधे जो हैं आते हैं वही खुराफात करते हैं चले जाते हैं. एक सिकंदर जाता है हिटलर आ जाता है, एक तैमूर जाता है कोई तालिबान आ जाता है. वही वही लोग नाम बदल के आते हैं और अपना माहौल ख़राब करके चले जाते हैं. तो क्यों इतिहास लिखना? हमने पुराण लिखे, हमने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, क्यों लिखा? इतिहास और पुराण में फ़र्क क्या है? फर्क ये है कि पुराण जो है इतिहास की घटनाओं को लेता है, मगर घटनाओं का क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, उस पर उसका फोकस नहीं है. उनके पीछे सत्य क्या है? व्हाट इज़ द ट्रूथ, नॉट द फैक्ट. राम कथा में भी अभी भी लोग सवाल उठाते हैं कई कि भाई फिक्शन है, मैथोलॉजी है, कभी हुआ नहीं है. आपको क्या लगता है? बिल्कुल इतिहास है, बिल्कुल इतिहास. yes. बताता हूँ क्यों. मतलब कुछ लोग हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी, महान विद्वान लोग हैं, उनको राम को भगवान कहने में शर्म आती है, मगर सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहने में शर्म नहीं आती. सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट हो सकता है, मगर इस मुल्क में राम भगवान नहीं हो सकता. हैरत की बात, शर्म की बात है. नहीं, इतिहास था, मगर हमने उस इतिहास को एक पुराण की तरह लिखा, कथा की तरह. उसमें जो सत्य है, अंतर्निहित सत्य है, उस समय के हिसाब से उस सत्य को सामने लाए. वाल्मीकि ने इसीलिए अपने ढंग से लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ढंग से लिखा, साउथ में कंबन ने अपने ढंग से लिखा. आज रामायण के 200 वर्षन हैं, 200. यहाँ तक कि बाकी देशों में, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कहीं भी जाएं आपको रामायण के वर्षन मिल जाएंगे. कंबोडिया में तो आपको अंदाजा नहीं होगा, हनुमान इज लाइक जेम्स बॉन्ड. मैंने, मुझे पता है. तो सबने अपने अपने ढंग से राम कथा को एडॉप्ट किया है, उसको निचोड़ा है, लिया है. और मैं छोटा सा एक उदाहरण दूँ आपको कि राम कथा इज ऑलवेज कंटेम्प्ररी, ऑलवेज समसामयिक है. ये नहीं कि कभी हो चुकी कहानी हो, हमारे बूढ़े माँ बाप ने पसंद की, या धार्मिक वजह है उसकी कोई पसंद करने की, नहीं, बिल्कुल नहीं. राम कथा हर युग में आज भी उतनी ही सार्थक है, रेलिवेंट है, जितनी पहले थी. और उसकी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि जैसे सीता हरण की का घटना है कि राम जो है स्वर्ण मृग के पीछे भाग के जाते हैं और सीता चोरी हो जाती है. छोटी सी घटना, मगर लेखक कहना क्या चाहता है कि हम जब भी स्वर्ण के पीछे भागते हैं आज भी, तो हम अपनी आत्मा की सीता को खो देते हैं. ये रामायण का सत्य है. घटनाओं पर मत जाइए, घटनाएं तो एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है, मगर घटनाओं के भी जो सत्य है अंतर्निहित वो ये है. एक दूसरा उदाहरण तो छोटा सा, दक्षिण में बहुत से राजा थे. जब राम को आक्रमण करना था लंका पे, तो दक्षिण में बहुत से राजा थे, उनकी सेनाएं थी. राम ने उनका सहयोग क्यों नहीं लिया? राजाओं की सेनाओं का सहयोग क्यों नहीं लिया? वानरों का सहयोग क्यों लिया? वजह है, वानर उपेक्षित थे. जैसे जिनको आज हम नीची जात के कहते हैं, कोई उनको भाव नहीं देता. नहीं, राम ने ऐसे लोगों की सेना बनाई जिन्होंने कभी जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ा था, जिनके पास कोई युद्ध की शिक्षा नहीं थी, न रणनीति थी, न योग्यता थी, हथियार चलाने नहीं आता था, एक कभी पत्थर उठा लिया या गदा उठा ली. मगर ये राम की कुव्वत थी, राम की ताकत थी कि नहीं, वहाँ भी क्षमता है. वानरों को भी एहसास नहीं था कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो रावण को हरा सकते हैं, रावण से लड़ सकते हैं. राम ने सिद्ध किया कि आज भी कमजोर से कमजोर जो है हिंदुस्तान में, हमारी जातियों में या कहीं भी हो, उसके अंदर भी वही क्षमता है जो शक्तिशाली में है. सिर्फ सवाल ये उठता है कि उसको कैसे उठाना, उसको बढ़ाना, उसको विश्वास देना कि नहीं तुम कर सकते हो. वानरों में भी था कि सर जी हम कैसे करेंगे, वो तो रावण है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, फला फला ढका है, उतने देवताओं को गुलाम बना कर रखा है कमबख्त ने, और हम वानर हैं, हमारा उछलते कूदते पेड़ के फल फूल खाते हैं बस, और क्या. नहीं, वानरों की सेना बनाना. तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आज के लिए भी राम कथा में सार्थक एक रेलेवेंस है, सार्थकता है. और हमारी कोशिश ये है जो, इसीलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वो तो जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि हम रामायण पहली बार देख रहे हैं. आप लोग जब ये राम युग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हम तो रामायण पहली बार देख रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं, राम को ऐसा कहते, सीता को ऐसा बोलते, लक्ष्मण को ऐसा करते, रामायण को ऐसा, रावण को ऐसा कहते, हमने कभी सुना नहीं था किसी किताब में.
क्योंकि जैसे वाल्मीकि ने अपने समय के लिए लिखा, तुलसीदास ने अपने समय के लिए लिखा, कंबन ने अपने समय के लिए लिखा, मैं अपने समय के लिए लिख रहा हूँ आज के युवाओं के लिए, जिनके लिए रामकथा शायद उनके बूढ़े माँ बाप जो हैं, उनकी जो आस्था चैनल देखते हैं उनके लिए नहीं, माफ कीजिएगा, रामकथा बूढ़ी नहीं होती, राम कभी बूढ़े नहीं होंगे। राम ने कभी, आपने कभी राम को बूढ़ा होते देखा है? अच्छा, हालांकि वो बूढ़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, बूढ़े होके राम जो है वो ऐसा नहीं कि हो चुके, आज भी हो रहे हैं, आज भी राम जीवित हैं। और असली चीज है वो राम को खोजना, उस राम को खोजना जो आज हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है। अब जैसे इस देश का नाम भारत है, आपको पता है भारत नाम दिया क्यों गया? अद्भुत वजह हमारे लोगों ने खोजी थी, भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगा हुआ, प्रकाश की खोज में लगा हुआ, किसी की धन संपत्ति जमीन की खोज में नहीं, किसी दूसरे देश की खोज में नहीं, प्रकाश की खोज में, ज्ञान की खोज में, वही खोज राम की खोज है। और हमने उसी राम को खोजने की कोशिश की है इस रामयुग में। थैंक यू सर। और अंत में मैं मॉरिशस को धन्यवाद देना चाहूँगा, ये आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य एक तरह से कि आपने हमें यह अवसर दिया। मैं गया था मॉरिशस, मेरी फिल्म आतिश की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, हम काफ़ी दिन थे वहाँ पे, और वहाँ के आप शहर में घुसिए, आपको, मैं खुद बिहार से आता हूँ, बलिया से एक्चुअली, मैं इतना ताजुब हुआ कि लगता नहीं कि हम मॉरिशस में हैं, हम बिहार के गांव में हैं, बाहर जो रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं। और उस वक्त जो उनके सेना के चीफ थे वो शिव के भक्त थे। तो मतलब मॉरिशस भारत से ज्यादा राम कथा का दीवाना है, मैं बता दूं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी बाकायदा उसका मुआवजा उनको वापस दें कि आपने राम कथा को इतना सम्मान दिया है, हम आपको राम युग देते हैं। धन्यवाद। और अब आप, कमलेश जी ने कितनी अच्छी बातें कही रामायण के बारे में, आज के बारे में। आज ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस एंड अ लर्निंग प्रोसेस। रोज सेट पर फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। रोज जब मैं कमलेश जी के साथ बैठता हूँ स्क्रिप्ट पे, तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ उनसे। और ऐसा ही संगीत के साथ होता है। और संगीत के लिए हमने साजिद वाजिद को साइन किया इस फिल्म के लिए, वो संगीत देने वाले हैं। Unfortunately, वाजिद भाई जो हैं वो अस्पताल में हैं, he's not well, उनको शुगर का कुछ प्रॉब्लम है, and that's why वाजिद भाई could not be here, और इसलिए साजिद भाई ज़्यादा शुगर खाली कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग एक दिन बैठे थे ऑफिस में, गीत संगीत के बारे में सोच रहे थे, तो वाजिद भाई और साजिद भाई का ये मानना था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इसके संगीत के लिए कुछ ऐसे दिग्गज म्यूजिशियंस के साथ काम करें जो हमें आम फिल्मों में काम करने का मौका नहीं देते। आर क्लासिकल मास्टर्स, आर क्लासिकल गुरुज, क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, उनके साथ काम करने का मौका हमें इस बार मिल रहा है। तो साजिद भाई, इफ यू कुड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट, कि कैसे, यू नो, वी वांट टू ब्रिंग इन क्लासिकल म्यूजिक इन रामयुग। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय साजिद, आई वांट टू जस्ट से थैंक यू, बिकॉज़ आई एम सॉरी बट आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर वी फील देयर इज डिस्पैरिटी एंड देयर इजंट। You have proved it. Can we please clap for Sajid Wajid for giving music for Ram Yog? I truly am your fan. You know that. Thank you. And you've taught me so many things in your life experiences. Today, you must share. I feel there is. I don't think of any disparity. I don't believe in disparity. I don't think of these things. But I am glad. For me, I don't think the film industry ever thinks of any disparities. Absolutely not.
thank you so much. I just want to add one point, maybe even he would know. जो पहली फिल्म बनी थी हिंदुस्तान में रामायण पर, राम राज्य, जो अकेली फिल्म जो गांधी जी ने देखी थी अपनी जिंदगी भर में, राम राज्य में जिसने राम का रोल किया था, प्रेम अदीब एक मुसलमान था, जो लक्ष्मण का रोल किया था, हमीद, हमीद कुछ ऐसा नाम था, वो भी मुसलमान था. हमारे ये मुल्क अजीब है, ऐसा है, या हमारी खूबी है कि मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के रोल किए हैं, एक्टिंग की है. एक शाहू मोडक थे हमारे एक्टर, वो कि ईसाई थे. ही ऑलवेज प्लेड माइथोलॉजिकल गॉड्स. तो वी हैव एनफ स्पेस इन दिस कंट्री फॉर दिस काइंड ऑफ वैरायटी. आई मीन थैंक यू सो मच, बट आई डोंट थिंक लाइक दिस. आई थिंक वेरी प्योरली 100% म्यूजिक. यस. एंड फॉर मी एज माय चाइल्डहुड द बिगेस्ट थिंग ऑन टीवी वाज रामायण. I mean, we have seen all the episode, my entire family has seen, so I know all the characters. And I think in today's time with this modern generation with so much of equipment and technology, if somebody is attempting this, I think this is one of the hottest project. Yeah. And I feel that yes, of course, we need to really concentrate on every aspect of the background, the music, what kind of a melody, what kind of a grandeur. And yes, of course, we sat down and we realized that we should use Hindustan ke the diamonds musician, the caustics, the pride of Hindustan musicians. We'll be definitely using a lot of classical people for this project. And I think I'm looking at this project as a very international project. And yes, I'm going to treat it. I'll try my best, as you know. Thank you so much. Thank you, Sajid Bhai. Moving on, I'd like to call on stage Mr. Nanda Narayan. He is the head of... Here. We've done that. Oh, we've done them. Sorry. Oh, sorry, sorry. I'm sorry. I thought there was another Nanda. I was wondering. Yeah. And sorry. I also want to thank Afrisha Bank. They've supported us in this. They've been very supportive of the project. I want to thank them for it. And moreover, I think now it's time that... Acha, abhi aap log puchenge ke Starcast ka kya? What about the star cast? We were so looking forward to meeting them. Kyun? I see. Dekhiye, maine ye badi soch samajh ke ye faisla, ye nirnay liya hai ki I would be working with primarily new faces and some known faces for the project. And I felt it's better to introduce them once you've seen something of the film. So, aaj main sirf aapke saath apni film share karna chahta tha, ye thought share karna chahta tha ki hum ek फिल्म बनाने जा रहे हैं और अपनी स्टारकास्ट को मैं धीरे धीरे आपके सामने पेश करता जाऊंगा ताकि सब कुछ एक टाइम पर ना खुले. एंड स्लोली स्लोली वी विल रिवील हु इज प्लेइंग हु. वी साइन द स्टारकास्ट, वी आर स्टार्टिंग द फिल्म शॉर्टली. वी नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट. एंड वी होप यू गिव इट टू अस. एंड अच्छा है कि आप बारिश के मौसम में भी आ गए. वी हैव लंच, प्लीज हैव लंच. थैंक यू एवरीवन. हाँ जी, फोटो Q&A भी कर. ओह प्लीज, यस, दैट बी लवली. मे आई रिक्वेस्ट द माइक टू बी पास्ड ऑन टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया. मुझे तो लगा सब कुछ हमने जवाब दे दिया. हाँ जी, किसी के कोई सवाल थे? हाय कुणाल, यो यो सुहेल, यो हाय, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल. सिंग, नो सिंग, सो स्वीट. अरे
Yeah, hi Kunal. Lot has been seen, read and written about Ramayana actually. And it's a brave attempt definitely at this point of time, like you're coming up with this thing. Do you feel there's a risk also? Definitely you must have thought about all these things, but still. I think there's always a risk in any film that one makes. There's always a risk in any interpretation that one does. And filmmaking itself is a risk. It's one day you're on top, one day you're down, one day you have a hit, one day you don't. My career is in front of all of y'all. Kabhi filmein chalti hain, kabhi filmein nahi chalti hain. The moment you enter the film industry, you know ke risk to sab kuch mein. Sir, but this has been, I mean to say, lots of people know about Ramayana, definitely. Like, logo ko kahani pata hai, har character yahan par, pata. Yahan par, Kamlesh ji ne kitni achhi baat kahi ke logon ko sab characters pata hai, logon ko sab scene pata hai. Scene mein kya hone wala hai, wo bhi pata hai. Lekin, phir bhi, there is always a time, there is always a space for great minds like Kamlesh ji to come up with something, to write something, to have a thought that is relevant today. Aur yehi hamari attempt hai ke kis tarah jo scenes aap jante hain jo I just want to, you know, sorry to just one point, you know, Ramayana is not just about a man losing his wife and trying to get his better back. It is not at all. Mike is hello. Ramayana is not just about this man losing his wife and then just getting his back, getting her back. Tagore ne kya kaha tha ki Ramayana is the epic of domestic life. Domestic, he said. Okay. Domestic means, aur jo humne puri koshish ki hai, Ram aur Sita ka rishta kya hai? Aaj ki tarikh, aaj ke context, Ram Lakshman ka rishta kya hai? हजरत और कैकेयी का रिश्ता क्या, भाइयों का आपस का रिश्ता क्या, सुग्रीव वाली का रिश्ता क्या, ये सारी बातें जो है ये पारिवारिक रिश्ते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ये नहीं है कि भाई बीवी चोरी हो गई तो रावण को मारो, बीवी को बल बचा के ले आओ, नहीं, वो तो एक छोटा सा एक सब प्लॉट है। मेन प्लॉट ये है कि हमारे अंतर संबंध कैसे हों, परिवार में, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, बीबी और पति और पत्नी के साथ। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला, और जब तक ये सवाल खत्म नहीं होने वाला, राम कथा खत्म नहीं होने वाली। Well said, sir. Hi Kunal, my question is to you, and if Mr. Nanda would like to ask, add to it, how handy did the Mauritius film rebates, the incentives come? But one doesn't make a film keeping these things in mind. Okay, they're just part and parcel. They're there in India, they're there in all places of the world. These are just small elements and little support that one gets. It's just a support that one gets, okay, which is good. It's good that the main idea and the purpose and of all these things is for cinema to transcend boundaries, for cinema to be accessible and reach all over the world. So that is the importance. These are small technical business aspects of which are just there. You know, it's not a big deal. It's a good thing. It's a support. But the main purpose of all this is for cinema to transcend boundaries, for thoughts to transcend boundaries, for stories to transcend boundaries. Yes. Just adding to that, in my knowledge, the most movies you've seen in Mauritius are set in a very contemporary setting. How much ground are you planning to cover in your film, in terms of a period film, and how do you design it and go about it? Well, I think for that you'll have to wait for the film to release and then see it. Wajid bhai, aapke liye music, sorry. Always can. Wajid bhai, challenging रहेगा आपके लिए और कितना मजा आएगा, because this is not a routine kind of a film. I mean to say, music थोड़ा अलग होगा, classical होगा, और हम जो music आजकल सुन रहे हैं, totally अलग है. आपके लिए कितना challenging रहेगा? Wow यार, what a question. अरे इतने इतने बड़े बड़े challenge फोड़ दिए यार, तुम क्या पूछ रहे हैं? मतलब you know, if you don't mind, I'll answer that. Actually, Sajid Bhai or Wajid Bhai, they have a classical base in them. Yeah. You know, they have, their base is classical.
लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे गिव म्यूजिक. अभी ये रिक्वायरमेंट है कि वी नीड समथिंग. एक्चुअली बताया गया कुणाल भाई, सॉरी, मेरा पहला एल्बम आया था दीवाना, इट वॉज प्योर रोमांटिक, प्योर रोमांटिक रोमांस, बट मैंने आज तक कभी रोमांस ही नहीं किया उसके बाद. You know, I started giving jalwa and ye and this and item and ye wo fara. So I think once you know your art, you mold into anything and you become an artist of that area. So Ramayana is a fantastic subject according to me, and you know it is a new age subject right now. Aajkal ka hamara daur agar aap dekho na to purane purane gaane hai na, naye naye logo ke naam se aa rahe hain, but wo content chal raha hai. उसके साथ साथ नाम भी चेंज होते जा रहे हैं. सो द न्यू जनरेशन डजंट नो अबाउट इट. तो आई थिंक इज़ द परफेक्ट टाइम टू दैट कुणाल कोहली इज इंट्रोड्यूसिंग राम सीता एवरीबॉडी टू द न्यू जनरेशन व्हाट दे वर राइट. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. जैसे मैंने कहा कि एवरी टाइम आई सिट विद कमलेश जी आई गेट टू लर्न सो मच. आई सिट विद मिस्टर नरेंद्र कोहली इन दिल्ली आई गेट टू लर्न सो मच. कमलेश जी जब डायलॉग देते हैं, जब थॉट्स देते हैं, मुझे कुछ सीखने को मिलता है. व्हेन आई सिट विद साजिद वाजिद I learned so much about music. Suddenly, Vajid Bhai will say, अच्छा ये राग में, you know कि ये राग भैरवी में आएगा. साजिद भाई जो रिदम का जो सपोर्ट देते हैं, and then he'll also say, अच्छा नहीं ये राग इस मूड के लिए ठीक है. So they talk about rags. You know, वो राग के बारे में बात करते हैं. And definitely, and मतलब it is not कि you know कि अच्छा हमारे बैंक में ये चार गाने देखो कहाँ पर फिट होते हैं. वैसा नहीं है. They are वो सीन देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट देख रहे हैं. दे आर सीइंग कि अच्छा यहाँ पर क्या होगा. देन दे आर इवन थिंकिंग अहेड कि अच्छा ये सीन है, इसमें हम बैकग्राउंड में ऐसा करेंगे. तो दैट्स द एंड द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग इज सो मच मोर एनलाइटनिंग व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग. एंड कुणाल सर लर्निंग व्हेन आई एम विद दिस क्रिएटिव पीपल. आप एक्चुअली मेरी यू नो आई विल टेल यू वन थिंग. यू नो टू डिजाइन हनुमान It's what a magical work one can get. Yes. Yeah. To design Ram, Sita, what a magical work. I've designed one of the biggest, you know, guys. But now I'm getting an opportunity to design Hanuman, you know, and he's given me some scene where Hanuman becomes big. And we are just concentrating on each and everything. So it's going to be fantastic. Kunal, Kunal, Justin here on your right. Yeah, here. Hi, Justin. Kunal, of late we have seen films dealing with history and mythology. I've run into trouble with people and there have been objections and protest. As a filmmaker, though, how do you think you'd be through with Ram Yoga, and will you be cautious about it? One always has to be cautious when making any film. It's not just, I mean, I got into a problem when we were making Fana. You know, we had a problem then during the release. So I think these are unfortunate things that happen. One has to be very cautious, which is why we have people like Mr. Narendra Kohli, who are our consultants. And if you see his body of work, you'll realize how accurate he is and how good he is. And then, hopefully, there should not be a problem. I mean, Ramayana ke itne version TV par bhi aaye hain. Siya ke Ram abhi haal hi mein aaya tha. Zee par bhi ek Ramayana thi. So it is, and so I hope and pray that we don't have these problems. Asa Kunal. जितनी रामायण हैं 200 वो सब हमारी बुनियाद है, सब हमारी बेस है. कोई एक किताब बेस नहीं है, क्योंकि अगर आपने दोनों किताबें पढ़ी हैं, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की, दोनों में बहुत फर्क है, फर्क है. और उसके साथ अगर साउथ की पढ़ी है जो महाराज कम्बन की रामायण है, वो तो और भी अलग है. जैसे उदाहरण देखिए, कम्बोडिया के रामायण में हनुमान जेम्स बॉन्ड की तरह हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी हैं. तो नहीं नहीं हमने किसी एक किताब को आधार बनाने की कोशिश नहीं की है. हमने मूल कथा को लिया है, हमने कथा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जो किरदारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने उन्हें रीइन्वेंट किया है आज के समय की ज़रूरत के लिए. हमारे आज की जो यंग ऑडियंस है या जो यूथ ऑडियंस है, उनके लिए हमने राम और सीता और लक्ष्मण और रावण और बाकी सबको एक तरह से रीइन्वेंट किया है, कथा को भी और किरदारों को भी, बिना कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ किए या बिना किरदारों के साथ कोई लिबर्टी. ये बहुत अहम है. तो कोई एक किताब हमारी बुनियाद है. ठीक है. सो कुणाल लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी,
आज ये तो हर दौर के लिए है, जो हर दौर के लिए है। आपको खुद को पूछना चाहिए, मुझे नहीं। ये सवाल इस मुल्क को, इस मुल्क के हर आदमी को पूछे, भैया मैं, मेरे अंदर राम कहाँ है, है कि नहीं? अगर होते तो ये हाल नहीं होता जो हो रहा है मुल्क, अगर होते तो। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोशिश वही है कि हो। मैम, वी जस्ट स्टार्टेड द फिल्म, आई थिंक इट्स बजट जो है वो है, आई मीन इट्स एन अप्रोप्रिएट बजट टू मेक द फिल्म। अभी फिल्म के स्टार्ट में अभी बजट की बात करना इज नॉट राइट, एंड वी हैव द अप्रोप्रिएट बजट टू मेक द फिल्म। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज थिंग्स लाइक द बजट बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट। मतलब अब शोले कितने में बनी थी, हम तुम कितने में बनी थी, क्या फ़र्क पड़ता है? पिक्चर अच्छी बननी चाहिए, थॉट्स अच्छे आने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आवर लास्ट क्वेश्चन कुणाल, आल्सो यू मेंशन दैट यू Sajid bhai wants to know, aapke hisab se kya budget hona chahiye? Kunal, you mentioned that you'd be looking for new members for the film. Did you at any? I have found. You found? Okay. Yes, we fully cast the film. The cast is ready. Okay. We are doing. Main iske baad aap sabke saath lunch khake, I'll be going for my costume trials. Great. With the actors. So did at any point did you pitch Ram Yuk to any of the stars that you've previously worked with, or did you ever consider that? No, I didn't. I didn't consider any of the of. The people I've worked with. I wanted to always make it with fresh faces and or people who've not been exposed too much. Okay, thank you very much for coming, and it's very nice, and please join us for lunch. Thank you so much. Thank you Amlesh ji, thank you Kunal, thank you Nanda sir, thank you Sachin sir, thank you Sajid for being here. Thank you. एक्चुअली न्यू जनरेशन को हम न्यू जनरेशन को हम नई चीज़ें नहीं, हम वो ही दिखाना चाह रहे हैं जो हज़ारों साल सैकड़ों साल से हमारे पास है, लेकिन हम उन्हें कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं या कुछ, बट हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि जो है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल थाट है, उसे हम ठीक से पेश करें। जैसा कि बातें भी हुई, सारी हमारी इंडियन सोसाइटी को राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, जी सबके बारे में पढ़ते हैं डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट आप कर रहे हैं, आपके लिए कितना डिफिकल्टीज होगी स्क्रीन पे, आप कितना डिफरेंट, क्योंकि आप अपने जैसा बता दी सिया के राम आए हैं, राम लक्ष्मण सब कुछ, आप कितना डिफरेंट प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे? देखिए, क्योंकि बहुत से इंटरप्रिटेशन हुए हैं, अभी हाल ही में सिया के राम हुई है, उससे पहले जी पर भी एक था, बालाजी ने भी एक बनाई है, सागर साहब की जो रामायण है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि किस तरह हम एक और राम कथा जो है सबके सामने पेश करें। अब वो धीरे धीरे जैसे हम आप सबको दिखाते जाएंगे कि हमने ये किया है, वो किया है, ये हमने चैप्टर यूज़ किए हैं, ये हमने थॉट्स हाईलाइट किए हैं, उस हिसाब से आप देखते जाइए। लेकिन हाँ, मुश्किल तो है, कोई भी फिल्म बनाना मुश्किल है, इसमें जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं, लोगों के विचार हैं, वो सब को बड़ी जिम्मेदारी से पेश करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास इतने दिग्गज लेखक हैं, हमारे साथ कमलेश जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, नरेंद्र कोहली जी हैं जो हमारे कंसल्टेंट हैं, तो दे विल बी आर गाइडिंग फैक्टर्स थ्रू। क्योंकि आपने बताया कि स्टार कास्ट जो है वो सब नए होंगे, जी तो कुछ बताएंगे कि आप, मतलब फिक्स फाइनलाइज हो चुका है? जी, स्टार कास्ट पूरी फाइनलाइज हो चुकी है, और हम लोग बहुत ही जल्द शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसीलिए मैं स्टार कास्ट को अभी सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मैं उन्हें एज राम लक्ष्मण सीता हनुमान रावण उस रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। लोकेशन क्या क्या चूज करेंगे? लोकेशन जो लोकेशन है, चाहे वो वर्ण हो या पैलेस हो, जो ऑफ कोर्स सेट्स में होंगे, तो वही तो लोकेशन है। मुंबई में सारी शूटिंग या मुंबई के बाहर? अलग अलग जगहों में फिल्म शूट हो रही है, अभी मुझे सारा रिवील नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग जगहों में फिल्म शूट हो। और कितना प्रिपेयर कर लिया आपने अपना आपको मेंटली? ये तो मतलब सालों से प्रिपरेशन चल, ये प्रिपरेशन जो है वो तो सालों से चल रही है, क्योंकि ये ऐसा थॉट नहीं है कि आज आ गया कल बना ली पिक्चर, ये तो बहुत रिसर्च होता है, बहुत डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होते हैं कि कौन से सीन रखें, वो सीन में हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं,
कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, तो ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो कई सालों से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। पहले हम फिल्म बनाएंगे फिर रिलीज डेट करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल फिल्म रिलीज। थैंक यू सो मच, गुड लक।